呪いは断ち切られる。ついてくる。離れないの。僕、どうしよう。呪文。तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जू ऑन द फाइनल कर्स मूवी को। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी और इसका IMDb स्कोर है 4.2 out of 10, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक करा है। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें ज्यू ऑन द बिगिनिंग ऑफ द एंड मूवी के सीन्स दिखाए जाते हैं, और इसका मतलब ज्यू ऑन द फाइनल कर्स मूवी में हमें ज्यू ऑन द बिगिनिंग ऑफ द एंड मूवी के आगे के सीन दिखाए जाएंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कायाको के घर से निकलता है, और वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है। वो घर से बाहर निकलता है और घर के मेन डोर पे बहुत सारे चेन्स और ताले लगा देता है, और फिर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और सीन कट हो जाता है। अब हमें माई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो माई है वो यूई की बहन है। अब माई रात को सो रही होती है, और जब वो उठती है तो उसे अपने घर के एक रूम से आवाज़ें आ रही होती है। और जब वो उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे यूई उस रूम में बैठी हुई है, और वो अपने सामने रखी हुई टेबल पे हाथ से स्पाइरल ड्रॉ कर रही है। अब माई यूई को रोकती है, बट तभी माई को यूई के पास तोशियो दिखता है, और फिर यूई माई को तोशियो के बारे में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर जो माई होती है वो जाग जाती है, और हम व्यूअर्स यहां समझ पाते हैं कि जो माई है वो सपना देख रही थी। अब नेक्स्ट डे हमें माई को एक होटल में दिखाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि माई उस होटल में वेट्रेस की जॉब करती है। अब माई को एक रूम में सूप लेके जाना होता है, और जब वो सूप लेके वहां पहुंचती है तो उसे सूप की रिफ्लेक्शन में तोशियो दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। अब हमें मेट्रो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबवे में माई का बॉयफ्रेंड सोता हमें दिखाया जाता है, और सोता वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता था। अब लास्ट ट्रेन के जाने के बाद जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे सबवे पे एक न्यूज़पेपर पड़ा मिलता है, और जिसे वो फेंकने के लिए उठाता है, बट जैसे ही वो न्यूज़पेपर को उठाता है, न्यूज़पेपर में से एक हाथ निकलता है जो उसे पकड़ लेता है, और माई का बॉयफ्रेंड सोता भी बहुत बुरी तरह डर जाता है। अब रात को माई अपने बॉयफ्रेंड सोता को यूई का भेजा गया एक वॉइस मैसेज सुनाती है, जिसमें सुनाई दे रही होती है ग्रज नॉइस, जिसे सुनकर सोता डर जाता है और वो तुरंत ही उस रिकॉर्डिंग को बंद कर देता है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ समझ आने लगता है कि जो सोता है उसे कुछ ना कुछ तो इस कर्स के बारे में पता है, इसलिए वो उस चीज़ से इतना ज़्यादा डर रहा है। अब हमें रियो नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो अपनी एक फ्रेंड मिडोरी के साथ स्कूल से वापस घर आ रही होती है, और वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि आज से उसके घर पे उसका एक कज़न रहने आ रहा है। और यहाँ से सीन जाता है हमारी रियो की मॉम पे, जिसका नाम होता है माकी, और माकी जाती है एक ऑफिस में जहाँ से वो एक बच्चे को अपने घर लेके आती है। अब जब रियो घर आती है तो वो माकी से बोलती है कि उसे अपने कज़न के साथ नहीं रहना, बट माकी रियो को समझाती है कि उसके मम्मी पापा मर चुके हैं और अब ये घर भी उसका ही घर है। और फिर रियो बात को समझ जाती है, और अब रियो जाती है और वो अपने फादर की फोटो के आगे बैठकर प्रे करने लगती है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि रियो के पापा भी मर चुके हैं। अब जब रियो प्रेयर कर रही होती है तो छत के कोने से कायाको की स्पिरिट बाहर आती है, बट जैसे ही रियो पीछे मुड़ती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। और इस सीन से हमें ये समझ आता है कि जो रियो का कज़न है वो घर में कर्स को कैरी करके ले आया है,
अब हमें वापस माई को दिखाते हैं जो यूई के स्कूल में से यूई का सामान मंगाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जो यूई है वो काफ़ी टाइम से मिसिंग है और जो माई है उसकी बहन वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब माई को यूई के सामान में से तोशियो के बारे में पता चलता है और उसे वहाँ पर कायाको की डायरी भी मिलती है, और यहाँ पर उसे याद आता है कि जब उसे सपना आया था यूई का तो यूई ने तोशियो का नाम लिया था, और फिर माई को लगता है कि यूई के मिसिंग होने के पीछे और तोशियो दोनों ही आपस में रिलेटेड है। अब माई को यूई के सामान में से तोशियो का एड्रेस मिल जाता है, बट तभी वहाँ पे शीशे में उसे कायाको की रिफ्लेक्शन दिखती है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से सीन जाता है और हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो रियो के घर के पास वाली एक बिल्डिंग में रहती है, और उस लड़की का नाम होता है ईना। और अब ईना अपनी बालकनी पे जाती है जहाँ से वो रियो के घर में ताकाजागी करती है, और उसे रियो के घर में घूमती हुई तोशियो की स्पिरिट दिखती है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब सीन जाता है माई पे जो अपने होटल में काम कर रही होती है, और वो एक रूम में एक कपल के लिए केक लेके जाती है, और जब वो रूम में केक डिलीवर कर देती है तो वो कपल गायब हो जाता है, और फिर माई को रूम में यूई दिखती है जो फिर से तोशियो का नाम लेती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब माई घर जाती है जहाँ पर वो सोता को सब कुछ बता देती है जो भी उसे यूई के बारे में पता चला होता है। अब माई नहाने चली जाती है, बट वो ये फैसला कर चुकी थी कि कल वो तोशियो के घर जाएगी ताकि उसे यूई के बारे में और चीज़ें पता चल सके। अब सोता माई के सामान में छानबीन करता है जहाँ से उसे कायाको की डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ लेता है। अब डायरी पढ़ने के बाद सोता डर जाता है और वो डायरी को फेंकने के लिए घर से बाहर ले जाता है, और दूसरी तरफ जब माई नहा रही होती है तो उसके बालों में से एक हाथ निकलता है जिससे वो डर जाती है, और सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से सीन जाता है रियो पे, और रियो रात को सो रही होती है, बट रात के टाइम उसे तोशियो की हमिंग सुनाई देती है अपने क्लोजेट में से, और जब उसका क्लोजेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है तो उसे क्लोजेट के अंदर कायाको दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है, और सीन कट हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो कर्ज है वो अब रियो की फैमिली पे भी हावी होने लग गया है। अब नेक्स्ट डे हमें स्कूल में रियो और उसके साथ उसकी दो दोस्त मिडोरी और माडोका को दिखाते हैं, और ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं कैरियाको करने का और पार्टी करने का। अब सीन जाता है रियो की मॉम माकी के ऊपर जो देखती है कि घर में रखी सारी सब्जियां सड़ चुकी हैं। अब जब माकी अब रियो के कज़न के रूम में जाकर उसका हाल चाल पूछती है तो रियो का कज़न कुछ भी नहीं बोलता, और फिर यहाँ से सीन चला जाता है सोता पे जो रात में सोकर उठता है और वो देखता है कि जो माई है वो उसके पास नहीं है। अब माई को ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में जाता है जहाँ पे माई आंखें बंद करके कायाको की डायरी पे स्पाइरल बना रही होती है, और सोता माई को होश में लाता है और वो बोलता है माई से कि उसने तो ये डायरी फेंक दी थी तो तुम इस डायरी को वापस क्यों ले आई। तो यहाँ पे जो माई होती है वो बोलती है कि उसे यूई को ढूंढने के लिए इस डायरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब हमें रात में मिडोरी माडोका और रियो को दिखाते हैं जो रियो के घर पे ही नाइट आउट पार्टी कर रहे होते हैं। अब जब रात के टाइम एक बार मिडोरी रूम में अकेली रह जाती है तो वहाँ पे कुछ हॉन्टिंग्स होने लगती हैं जिससे वो डरना स्टार्ट कर देती है, और तभी वहाँ पे रियो का कज़न आ जाता है जिसे देखकर मिडोरी बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाती है। अब वहाँ पे मिडोरी की आवाज़ सुनकर माडोका और रियो रूम में आते हैं, और फिर जो माडोका है वो रियो के कज़न के साथ खेलने लगती है, और यहाँ पे हमें फाइनली रियो के कज़न की शक्ल दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं तोशियो ही होता है। बट कैसे, तोशियो को तो लास्ट मूवी में ताकियो ने मार डाला था, तो वो जिंदा कैसे बच गया और वो यहाँ इस घर में क्या कर रहा है, तो ये अब हमें पता चलता है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वहीं ले जाया जाता है जहाँ पे ताकियो गुस्से में कायाको को मार डालता है, और क्योंकि लास्ट मूवी में हमें ये दिखाया गया था कि सबसे पहले ताकियो ने कायाको को मारा, फिर तोशियो बिल्लू को मारा, और फिर उसके बाद ताकियो तोशियो की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है, पर सीन कट हो जाता है। यहाँ पे हमें लास्ट मूवी में सीन कट कर दिया गया था, बट इस मूवी में हमें उससे आगे का सीन दिखाते हैं। जब ताकियो तोशियो को मारने के लिए बढ़ता है तो तोशियो के अंदर से वो कर्ज्ड तोशियो की स्पिरिट निकल जाती है, और फिर वो ताकियो को खुद को ही मारने पे मजबूर कर देती है, और इस तरह से तोशियो बच जाता है। और फिर पुलिस कस्टडी के जरिए तोशियो बाद में माकी जो ताकियो की बहन है उसके घर रहने चले जाता है, और वो अपने साथ
अपना कर्ज भी ले जाता है। अब सीन जाता है माई पे, जो जाती है तोशियो के एड्रेस पे, बट वो वहाँ जाके देखती है कि वो घर तो वहाँ पे अब है ही नहीं। उस घर की जगह बस खाली ज़मीन होती है। अब माई के पास एक लड़का आता है जिसका नाम होता है क्योसुके, और दोस्तों क्योसुके वो ही लड़का है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब क्योसुके बताता है कि वो उस घर का रियल इस्टेट एजेंट था और उसने ये घर जानबूझकर तुड़वाया है, और अब इस ज़मीन पर कोई और घर बनाना भी अलाउ नहीं है। क्योसुके बताता है कि उसने अपनी वाइफ और बहन दोनों को ही उस घर की वजह से खो दिया। उस घर में कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक था जो इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करता था, इसलिए उसने वो घर ही तुड़वा डाला। अब माई बोलती है कि उसे तोशियो के पास जाना है क्योंकि उसकी बहन यूई मिसिंग है और तोशियो उस सब चीज़ों से रिलेटेड है। फिर क्योसुके माई को रियो के घर का एड्रेस देता है और बताता है कि कायाको और ताकियो के मरने के बाद जो तोशियो है वो अपनी कज़न और आंटी के साथ रहता है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब हमें फिर से उसी की छोटी लड़की ईना को दिखाते हैं जो फिर से रियो के घर में ताकाजाकी करती है, और इस बार तोशियो की स्पिरिट उसे देख लेती है, और फिर तोशियो की इविल स्पिरिट ईना के भी पीछे पड़ जाती है और ईना को भी वो सताने लग जाती है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब हमें सोता को दिखाते हैं जो सबवे पे लास्ट ट्रेन के जाने के बाद घर जा रहा होता है अपनी जॉब से, बट उसे सबवे पे कायाको दिखती है, और क्योंकि सोता ने पहले कभी कायाको को नहीं देखा था तो इसलिए ही वो उसे पहचान नहीं पाता। अब सोता कायाको को बोलता है कि मिस स्टेशन बंद हो चुका है, आप मेरे साथ बाहर चलिए, और जब कायाको सोता के साथ जा रही होती है तो कायाको अपनी डायरी के कुछ वर्ड्स बोलने लगती है और फिर बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाती है और फिर अचानक से ही गायब हो जाती है, और सोता डर जाता है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में हमें रियो, मिडोरी और माडोका को दिखाते हैं, जहाँ पे रियो तोशियो के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में माडोका और मिडोरी को बताती है, और माडोका रियो से तोशियो का पूरा नाम पूछती है, और रियो बताती है तोशियो साइकी, और माडोका बोलती है कि वो आज तोशियो के बारे में सब कुछ सर्च करेगी और उसे जो भी पता चलेगा वो रियो को बताएगी। अब रात में हमें मिडोरी को दिखाया जाता है जो कैरियोके में अकेले ही इंजॉय कर रही होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जो मिडोरी है वो यायोई की बहन है, और ये वही यायोई है जिसे लास्ट मूवी में तोशियो ने मार डाला था। अब थोड़ा इन्जॉय करने के बाद मिडोरी को यायोई की याद आने लगती है, और तभी अचानक से टीवी और लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, और फ्लिकरिंग के साथ ही मिडोरी को यायोई दिखने लगती है, जिसे देखकर पहले से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि यायोई वापस आ गई है, बट फिर वहाँ तोशियो आ जाता है जो मिडोरी को डरा देता है, और अब यायोई मिडोरी के गाल बुरी तरह पकड़ लेती है और फिर मिडोरी का सर छत में मार डालती है, जिससे मिडोरी बहुत बुरी तरह मारी जाती है और सीन कट हो जाता है। अब सीन जाता है माडोका पे, जो तोशियो कायाको और ताकियो के बारे में सब कुछ सर्च करके रियो को सेंड कर देती है, और वो उस टाइम होटल में खाना खा रही होती है, और यहाँ व्यूअर्स देखते हैं कि माडोका का खाना काले बालों में बदल गया है, और फिर माडोका अपनी टेबल के नीचे देखती है जहाँ पे उसे तोशियो दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, और तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं होटल में वो सब गायब हो जाते हैं और माडोका अकेले रह जाती है। अब फिर माडोका को अपने अंदर एक जलन महसूस होती है और वो देखती है कि उसके हाथ काले पड़ना स्टार्ट हो गया है, और फिर माडोका की पूरी बॉडी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और उसे बहुत जलन होती है जिससे वो मारी जाती है, और हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि कर्स ने उसकी बॉडी को अंदर से जला दिया जिससे वो मारी गई, और सीन कट हो जाता है। अब सीन जाता है रियो पे, जो माडोका की भेजी गई इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है, और फिर रियो को तोशियो की फैमिली के और उसके पूरे आने घर की पूरी डार्क हिस्ट्री पता चल जाती है, जिसे पढ़कर वो घबरा जाती है, और अब रियो जाती है तोशियो के रूम में जहाँ तोशियो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, बट तभी वहाँ पर तोशियो की इविल स्पिरिट आ जाती है जिसे देखकर रियो डर जाती है और वो भागती है, बट रियो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। रियो की मॉम माकी वहाँ पर उसकी आवाज़ सुन के आती है
और वो देखती है कि रियो सीडियो से नीचे गिरी हुई है और वो रियो को उठाती है, बट रियो अपनी उंगली से सीडियो की तरफ इशारा करती है। और अब जब माकी वहाँ देखती है तो वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ खड़ी है कायाको, और फिर माकी और रियो दोनों एनकाउंटर करते हैं कायाको का। अब माकी रियो को लेकर किचन में जाती है जहाँ वो सारे दरवाजे किचन के लॉक कर देती है। अब जब रियो तोशियो की पूरी फैमिली हिस्ट्री अपनी मॉम माकी को बताती है तो माकी समझ जाती है कि वो घोस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और माकी बोलती है कि अगर वो तोशियो को मार दे तो हो सकता है ये सब रुक जाए। तो माकी जाती है किचन में और वहाँ से एक चाकू निकालती है, बट तभी उसके बालों के अंदर से कायाको निकलती है और वो माकी को रियो के सामने ही मार डालती है। अब रियो बहुत रोती है बट वो चाकू लेके सीधा जाती है तोशियो के रूम में, जहाँ तोशियो शांति से बैठा हुआ होता है। अब जैसे ही रियो तोशियो को मारने वाली होती है वहाँ कायाको आ जाती है जो रियो का हाथ पकड़ लेती है, और फिर कायाको रियो को उल्टा मोड़ देती है जिससे उसकी कमर टूट जाती है और रियो वहीं पे मर जाती है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हमें माई को दिखाते हैं जो आती है रियो के घर पे, बट घर के अंदर से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता क्योंकि सब तो घर के अंदर मर ही चुके हैं, और इसलिए माई वापस अपने घर चली जाती है, वो घर के अंदर नहीं जाती। बट सोता माई का पीछा करता है, जहाँ पे माई के जाने के बाद सोता जाता है रियो के घर में, जहाँ पे उसे तोशियो बेहोशी की हालत में मिलता है। बट अचानक से ही तोशियो को होश आ जाता है और वो सोता का गला दबाने लगता है, और सोता भी तोशियो का गला उल्टा दबाने लगता है, बट तोशियो सोता से पहले मर जाता है। और फिर सोता को लगता है कि उसने एक मर्डर कर दिया है और वो बुरी तरह डर जाता है और अपने घर भाग जाता है, जहाँ पे उसे फिर से कायाको की डायरी मिलती है, और इस बार सोता उस डायरी को जला डालता है। अब रात होती है और सोता के डोर पे कोई नॉक करता है, और जब सोता पूछता है कि कौन है तो कोई भी जवाब नहीं मिलता, और फिर नॉकिंग और ज़्यादा तेज हो जाती है और फिर रुक जाती है। अब जो डोर का लेटर स्पेस होता है उसमें से निकलती है कायाको, और फिर कायाको क्रॉल करते हुए सोता के पास आती है और सोता को भी मार डालती है। अब कुछ देर बाद माई घर पे आती है जिसे सोता की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है, और फिर जो माई होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन फिर से जाती है माई रियो के घर पे, जहाँ पे वो इस बार घर में चली जाती है, और घर में घुसते के संग ही उसे बहुत बुरी स्मेल आती है। माई जाती है किचन में जहाँ पे उसे मिलती है माकी और रियो, और वो उन दोनों से पूछती है तोशियो के बारे में, और वो दोनों फिर तोशियो को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं, और वहाँ पे तोशियो की जगह आती है ईना, और ईना वही लड़की है जो पास वाली बिल्डिंग से ताकाजाकी करती थी, और इसका मतलब जो तोशियो की एविल स्पिरिट है उसने तोशियो को मरने के बाद ईना की बॉडी को पजेस कर लिया। अब ईना की बॉडी से तोशियो बाहर निकल जाता है जिसे देखकर माई भागती है, बट एंड में फिर से कायाको सीढ़ियों से क्रॉल करते हुए नीचे आने लगती है, और जब वो माई के पास पहुंच जाती है तो वो यूई में बदल जाती है, जिसे देखकर माई बोलती है कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, बट फिर से यूई तभी कायाको में बदल जाती है और माई को भी मार डालती है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ज्यू ऑन द फाइनल कर्स मूवी की। ये मूवी भी बाकी मूवीज की तरह ही है और सेम स्टोरी मेरे को इसमें लगी, तो ये मुझे मूवी ज्यादा खास नहीं लगी। ये मूवी आपको आसानी से समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।